नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब काफ़ी यूजर्स हमारे कमेंट कर रहे थे कि सर कुरियर फ्रेंचाइजी कैसे खोलें, कुरियर का अपना बिजनेस, जैसे कि हम ई कॉम जो पार्सल्स होते हैं, जैसे कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जो भी शॉपिंग करते हैं, वो सामान जो डिलीवर होता है उसमें कैसे काम करें। ठीक है, तो अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तब भी ये काम कर सकते हैं। हालांकि सीएससी खुद अपना एक ई कॉमर्स कंपनी के ज़रिए से टाई अप करके ये काम शुरू करने जा रही है। हालांकि अगर अभी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डिलीवरी के साथ में जुड़ के काम कर सकते हैं। अगर आप एक साइबर कैफ़े चलाते हैं या बेरोजगार हैं या कुछ रोज़गार करना चाहते हैं, तब भी आप ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए जीरो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, कोई भी पैसा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस काम के ज़रिए आप दिन भर में जो है मिनिमम मान के लिए 1,000 रुपये की आसानी से कमाई कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। और इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आपको ये काम मिलेगा, कैसे फ्रेंचाइजी मिलेगी, उसके एप्लीकेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, आपके लिए इतना यूज़फुल वीडियो मैं लेके आया हूँ, इसके लिए इस वीडियो को लाइक बिल्कुल अभी तुरंत कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, अगर आपके नज़दीक में, आपके जानने में कोई दोस्त है आपका या कोई जानने वाला है जो बेरोज़गार है, उसको रोज़गार की ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ करके ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुँचा दीजिए, ताकि आपके एक शेयर बटन दबाने से किसी की ज़रूरत पूरी हो सकती है, किसी को रोज़गार मिल सकता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, बिना देर के बता देता हूँ आपको आज के इस अपडेट के बारे में, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि कैसे आप डिलीवरी जो कुरियर कंपनी है उसके माध्यम से जुड़ के आप जो ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन सेल्स होती है आपके क्षेत्र में, जो भी आपके गांव में, आपके शहर में, आपके कस्बे में कोई भी ऑनलाइन ख़रीदारी करेगा, उसका जो ऑनलाइन पार्सल आएगा वो आप कैसे उसको डिलीवर कर सकते हैं और उस पर कैसे आप अपना मार्जिन कमा सकते हैं, कैसे आप उसमें रोज़गार अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके लिए मैंने एक डिटेल पोस्ट अपनी vlesociety.com की वेबसाइट पे भी लिख रखा है, जहाँ पे जाके अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको इसके लिए डिटेल पोस्ट लिखा हुआ मिल जाएगा डिलीवरी कुरियर फ्रेंचाइजी के बारे में, तो उस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पूरी डिटेल खुल के आ जाएंगी, कैसे आपको क्या करना है, क्या चीज़ है डिलीवरी, कौन सी फ्रेंचाइजी आपको लेनी चाहिए, कौन कौन से लोग इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, पेमेंट स्ट्रक्चर, पेमेंट कैसे आती है और कैसे इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने लिख रखी हैं, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। बाकी एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अबाउट डिलीवरी में बता दूँ कि डिलीवरी क्या है। ठीक है, तो डिलीवरी दोस्तों, जैसा कि आप अगर कुछ ऑनलाइन शॉपिंग किए होंगे, कभी भी कुछ ऑनलाइन ख़रीदा होगा, तो आपको पता होगा कि डिलीवरी एक जो समझ लीजिए कुख्यात नहीं बोलेंगे तो एक दिग्गज जो बड़ी कंपनी है लॉजिस्टिक्स सिस्टम में, यानी कि कुरियर सिस्टम में एक बड़ी कंपनी है, एक बहुत चर्चित कंपनी है, जो आपके जो भी अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वहाँ से आप कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो वो किसी ना किसी कुरियर कंपनी के ज़रिए होके आपके पास, आपके घर पे डिलीवर होता है। ठीक है, तो ये काम जो है, जो एक मानी जानी कंपनी है उसका नाम है डिलीवरी, जो ये काम करती है। ठीक है, तो ये कंपनी के पास सबसे ज़्यादा पिन कोड्स अवेलेबल हैं और ये एक सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनी है, जिसके पास लगभग 1400 शहरों में 15,000 से भी ज़्यादा पिन कोड्स उपलब्ध हैं, जो ई कॉमर्स पैकेज डिलीवरी की सुविधा करते हैं, जहाँ पर आप COD और प्रीपेड ऑर्डर दोनों तरीके का माल भिजवा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और इनके पास लगभग 1 मिलियन स्क्वायर फीट का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, यानी कि कंप्यूटर, जगह, लैंड वगैरह सब कुछ मौजूद है, जिससे वो हर महीने लगभग 10 मिलियन से भी ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्रीफ कि ये कंपनी करती क्या है, डिलीवरी किस भला का नाम है। अभी दोस्तों बता देते हैं कि डिलीवरी कुरियर फ्रेंचाइजी के बारे में। ठीक है, तो डिलीवरी पार्टनर प्रोग्राम या फिर कह लें डिलीवरी कुरियर फ्रेंचाइजी प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए डिलीवरी कंपनी पर डे दिन पर दिन अपनी जो कुरियर पार्सल डिलीवर करने की क्षमता है या समझ लीजिए रीच है, उसको विशाल बनाती है। जिससे कि आप सपोज़ करिए कि आपके यहाँ पे कुरियर सुविधा उपलब्ध है, लेकिन कुछ ऐसे गांव हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी कोई भी पार्सल डिलीवरी नहीं होता, कोई कुरियर कंपनी वहाँ पे डिलीवरी नहीं करती, तो आप वहाँ पे डिलीवरी के साथ में जुड़ के वहाँ पे जो कुरियर पार्सल्स हैं उस क्षेत्र में डिलीवरी का काम कर सकते हैं। इससे कंपनी को फ़ायदा है कि उनको पिन कोड्स बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पार्सल पहुंचा पा रहे हैं, ज़्यादा जगहों पे पहुंचा पा रहे हैं, दूसरे आपको भी वहाँ पे रोज़गार मिल रहा है। ठीक है, तो इस कुरियर फ्रेंचाइजी के लिए कोई भी 18 से वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है वो अप्लाई कर सकता है और डिलीवरी के कंपनी के साथ मिल के
अपना बिजनेस खोल सकता है कुरियर का, और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जो भी वेबसाइट्स हैं इनके कुरियर डिलीवरी का काम स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, अभी दोस्तों आपके बेनिफिट्स क्या हैं इस कुरियर फ्रेंचाइजी में, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिलीवरी जो है ये एक काफ़ी जाना माना नाम है और ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक्स कंपनी है, यानी कि इसकी जो ग्रो करने की स्पीड है बहुत ज़्यादा है। और ई कॉमर्स कंपनियों के साथ कोरियर बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है कि कैसे ये कंपनियाँ काम करती हैं, और डिलीवरी के नाम के सहारे आप ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस की गैदरिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ पार्सल उठा के डिलीवर करना है। आपके लिए बिजनेस लेने का काम डिलीवरी ने, साथ ही जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनसे टाई अप कर रखे हैं, वहाँ से प्रोडक्ट के ऑर्डर आते रहेंगे, आपको सिर्फ अपने कस्टमर जो भी हैं आपके क्षेत्र के उनको जाके डिलीवर करना है और उस पर आपको मार्जिन मिलेगा। क्योंकि सबसे पसंद 60% के लगभग जो पार्सल्स हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जो भी दिग्गज ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं उनके डिलीवरी के जरिए ही डिलीवर होते हैं, और आप इसके जरिए अगर आप कोई पुराना बिजनेस अपना कर रहे हैं तो वहाँ का जो मौजूदा स्टाफ है उसका भी उपयोग कर सकते हैं इस बिजनेस में कुरियर पार्टनर के रूप में, उसको डिलीवरी करवाने के लिए, यानी कि आपको अलग से भी मैन पावर हायर करने की ज़रूरत नहीं अगर आप पहले से कुछ काम कर रहे हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस के बारे में आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है और उसमें अपना एक वेंचर आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए आपको इसके अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको न्यूनतम 12वीं पास होना ज़रूरी है, और इसके साथ में हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई पहले से बिजनेस बैकग्राउंड है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, हालांकि ये अगर नहीं है तब भी आप इसमें काम कर सकते हैं। और आपको अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए जिससे आपको आसानी हो कुरियर कंपनी का काम करते हुए या पार्सल डिलीवरी के समय। ठीक है, अभी इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो वहाँ पर सबसे पहला आपका आधार कार्ड रिक्वायर्ड होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर। ठीक है, इतनी चीज़ें, मोबाइल नंबर के साथ में यहाँ पे एक एंड्रॉयड मोबाइल भी ऐड कर लीजिएगा, कि ये चार पांच चीज़ें आपको ज़रूरी होंगी तभी आप ये काम कर पाएंगे। अभी इसके लिए कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में बता देते हैं कि सबसे पहले तो आप डिलीवरी की वेबसाइट पर जाके आपको यहाँ पे पार्टनर सेगमेंट मिल जाता है, वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करने के अलावा भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना जो भी नज़दीकी डिलीवरी का ऑफिस है, जहाँ से भी पार्सल आपके क्षेत्र में डिलीवर होने के लिए आते हैं, वहाँ पे जाके वहाँ पे जो भी ATL होते हैं, सुपरवाइज़र हैं, या जो भी आपके ऑफिशियल वहाँ पे बैठते हैं, उनसे आप डिलीवरी वेंडर से प्रोग्राम के बारे में या फ्रेंचाइजी प्रोग्राम के बारे में पता कर सकते हैं, और ऊपर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए वो डॉक्यूमेंट्स ले जाके सबमिट करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक बार ये डॉक्यूमेंट्स इससे पहले आप लेके जाओ, उससे पहले मैं बता देता हूँ डिटेल में थोड़ा फ्रेंचाइजी प्रोग्राम के बारे में। तो इसके लिए जैसे ही आप पार्टनर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो इनका पार्टनरशिप प्रोग्राम है वो है कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुरियर कंपनी यानी डिलीवरी कंपनी का जिस भी रीजन में, जिस भी क्षेत्र में, जिस पिन कोड पे सर्विस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये फ्री नहीं है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और थोड़ा सा रोड से कनेक्टेड होना चाहिए आपका जो भी ऑफिस है, जो भी जगह आप वहाँ पे दिखा रहे हैं। इसमें करती क्या है कंपनी, बेसिकली को जो भी डिलीवरी कंपनी है इनका जो भी आपके स्टेट में हब होगा वहाँ से सीधे आपके सेंटर पे प्रोडक्ट्स का जितना भी बैगेज होगा वो उतार देंगे। फिर वहाँ से आपको क्या करना है, अपने ऑपरेटर्स को लगा के या कुरियर कंपनी के जो भी एम्प्लॉयज़ रहेंगे वो आपके यहाँ से माल को उठा के बाकी जगहों पे डिलीवर करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक तो पहले आपको स्पेस चाहिए जहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट्स आप रखेंगे, और इस ऑपरेशंस के लिए आपको एक स्टाफ चाहिए होगा जिसके ज़रिए से आप ये सारी चीज़ें डिलीवर करवाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट की क्षमता नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, बिना इन्वेस्टमेंट के ज़ीरो में काम करना चाहते हैं, तो हमें दूसरा इनका प्लान है कास्मोस करके, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे आपको देखेंगे बन के आ रहा है, यहाँ पे एक आदमी अपना साइकिल के ज़रिए, मोटरसाइकिल के ज़रिए अपना डिलीवर करने जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा ही प्रोग्राम है, इसमें क्या होता है बेसिकली जहाँ पे अभी कुरियर कंपनी की सर्विस उपलब्ध है, जहाँ पे ये कंपनियाँ काम कर रही हैं वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उनके डिलीवरी एजेंट बन के आप जो है उनके प्रोडक्ट्स को उनके डिलीवरी सेंटर से उठा के नीचे कहीं भी अपने जो भी एरिया है, जो भी लोकेलिटी है वहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं। और इसके लिए आपको ज़ीरो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ साइन अप करना है और फिर आपको डिलीवरी से ऑर्डर्स रिसीव होंगे कि आपके यहाँ से ये सामान जाना है या यहाँ पे इनको ये सामान डिलीवर होना है। आपको क्या करना है, वहाँ इनके सेंटर पे जाके सामान उठाना है और अपने एरिया में
डिलीवर कर देना है, जो भी 1 से 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की एरिया में होंगे आपके नज़दीक के, उनको डिलीवर करना है। और इस पर पैकेट के हिसाब से, जैसा कि मैं बता दूं पेमेंट स्ट्रक्चर के बारे में, तो हर पैकेट पे आपको लगभग 10 से 15 रुपए के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। और ये पेमेंट आपको हर वीक आता है, यानी कि हर सप्ताह पेमेंट आएगा, मंथली वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। और अभी अगर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डिलीवरी की वेबसाइट पे तो हालांकि लिंक अभी अवेलेबल नहीं है इसके लिए, लेकिन इसके लिए आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे देखेंगे यहाँ पे पार्टनर प्रोग्राम का एक लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पे जाके आप यहाँ पे स्टोर डिलीवरी प्रोग्राम के बारे में अपना नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, स्टेट वगैरह यहाँ पे सेलेक्ट करके सबमिट कर देंगे, तो यहाँ से आपका ये पूरा फॉर्म जो है अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से अप्लाई होने के बाद डिलीवरी कंपनी की तरफ से आपको कोई ना कोई कांटेक्ट करेगा और वो आपसे इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ प्रोसेस हैं जहाँ से जुड़ के आप जो है अपने आसपास के क्षेत्र में कोरियर डिलीवरी या कोरियर का काम कर सकते हैं, और वहाँ पे हर महीने लगभग जो है 30 से 40 हज़ार रुपये की इनकम कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ जितने भी दोस्तों जितने वेली ग्रुप हैं सभी पहुँचा दीजिएगा। और अगर आप एक सीसी वेली हैं, सीसी का टी शर्ट वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो दिए गए लिंक पर जाके ये टी शर्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।